नमस्कार दोस्तों, 28 फरवरी को फाल्गुन माह की संकष्टी चतुर्थी है। इस दिन बुद्धि, विद्या और ज्ञान के देवता भगवान गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। सनातन धर्म में गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। इसकी आराधना से जीवन के सारे विघ्न खत्म हो जाते हैं। वही इस बार संकष्टी चतुर्थी पर बुधवार का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे न सिर्फ इस दिन की गई पूजा पाठ का शुभ फल मिलेगा, बल्कि इस दिन किए गए उपाय भी आपके घर सुख समृद्धि और धन संपदा लेकर आएंगे। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी पर करने वाले कुछ उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय है कर्ज से मुक्ति पाने के लिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और कर्ज का बोझ है, तो ऐसे में इससे छुटकारा पाने के लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन 3 बत्तियों वाला दीपक जलाएं और ओम गंग गों गणपते विघ्न विना से स्वाहा का 21 माला जाप करें। मान्यता है कि इस उपाय से आपको अपार धन की प्राप्ति होती है और धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलती है। दूसरा उपाय है घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर की सुख शांति छिन गई है, आए दिन परिवार में कलह क्लेश होता है, पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी तालमेल नहीं बन रहा, तो ऐसे में आपको करना ये है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन चांदी के गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर लेकर आएं, उनका विधि पूर्वक पूजन करें और हल्दी की 5 गांठ बप्पा को अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से आपके घर में सकारात्मकता आती है, परिवार में खुशियां आती हैं और जो भी परिवार के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल होता है वो दूर हो जाता है। तीसरे उपाय के तौर पर आपको बता दें कि जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर जो याद करते हैं वो सब भूल जाते हैं, तो ऐसे में वो संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश रुद्राक्ष धारण करें। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस उपाय को करने से बुध ग्रह मजबूत होता है, जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास होता है और विवेक में बढ़ोतरी होती है। तो वहीं जैसा कि सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, जिसके चलते संकष्टी चतुर्थी के शुभ दिन पर गाय को हरा चारा खिलाना बेहद शुभ माना जाता है, जिससे आपके ग्रह दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख संपन्नता आती है। इसके अलावा इस दिन भगवान गणेश के माथे पर गाय के घी में सिंदूर मिलाकर तिलक लगाएं और खुद के माथे पर भी ये तिलक अवश्य लगाएं। इस उपाय से धन वैभव की भी प्राप्ति होने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।